फार्मा कंपनी इसलिए स्ट्रगल करती है मोस्ट ऑफ टाइम कि वो मार्केट जैसे जैसे चेंज होता है, नॉट ओनली फार्मा कंपनी, कोई भी कंपनी, कोई भी चीज अगर बदलते सिनेरियो के साथ चेंज नहीं होगा तो वो स्ट्रगल करेगा, राइट वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, जैसे मैंने मेरे बहुत सारे कोर्सेज है, आज से मैंने 2 साल पहले बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए, तब से मैंने कुछ नया कोर्स नहीं लॉन्च किया। आज मेरा कोर्स खास सेल नहीं होता, जितना सेल होना था हो चुका है। आज अगर मैं उस कोर्स के भरोसे बैठा होता, नई चीजें नहीं डेवलप करता, मेरा घर कैसे चलता? नहीं चलता, क्योंकि हर एक चीज की एक वैलिडिटी है। ठीक, एक समय ऐसा था जो मेरी मेडिकल स्टोर स्टार्टअप गाइड है, करीब 1 साल तक लगभग पर डे मैंने 2 से 3 सेल किया होगा, पर डे बता रहा हूँ, विदाउट एनी मार्केटिंग। वो भी मैं अपने कोई वेबसाइट पे नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, डायरेक्ट मतलब व्हाट्सएप से परचेज हो जाता था, वहीं से मैं सेल करता था। पर डे कभी कभी 5-5 किताबें बिक जाती थी, मतलब डेली में 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपए सिर्फ यहीं से कमा लेता था पर डे का। आज से मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैंने कोर्सेज और बहुत सारी चीजें लॉन्च किया था, राइट। लेकिन हर एक कोर्स, हर एक चीज का लाइफ है ना। आज वो कोर्सेज कभी कभी सेल होती है, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती लोगों को, जितने लोगों को लेना था ले चुके हैं, जो नए नए आते हैं तो कभी कभी आते हैं। तो अगर मैं वही अपने आप को रोक के रखा, भाई मैंने तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है, जब मेडिकल स्टोर स्टार्टअप गाइड हो गया, मेरा फार्मा स्टार्टअप टूलकिट हो गया, हाउ टू स्टार्ट अ फार्मा कंपनी इंस्टीट्यूट, ये बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, राइट, बहुत ही वैल्यूएबल, मैं वो सस्ते दाम में देता हूँ लेकिन बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना मैंने बहुत अच्छा बना दिया तो मैं वहीं रुका रहूंगा, वो आज बिक रहा है कल नहीं बिकेगा, कल के लिए मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा ना। आज मेरी फार्मा डिजिटल एजेंसी है जो मुझे सपोर्ट करती है, राइट, वहां से अर्निंग अर्निंग है, कुछ कंसल्टिंग कंपनीज है जहां से मेरे पास में अर्निंग आती है, एवरी मंथ एक फिक्स अर्निंग आती है, चारों तरफ से एक फिक्स अर्निंग में हर महीने अर्न करता हूँ, मतलब एजेंसी को भी बाहर कर देता हूँ तो भी एक फिक्स अर्निंग है जो हर महीने मेरे पास आती है। उन चीजों को ओवर द टाइम मैंने डेवलप किया है, अगर नहीं डेवलप करता कहां होता, परेशान होता। तो आपको बदलते टाइम के साथ चीजों को फिक्स करना ही पड़ेगा। अगर बदलते टाइम के साथ अपने आपको चीजें नहीं आप फिक्स करेंगे, चीजें डेवलप नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। तो फार्मा कंपनी जितनी भी, अब देखो जितनी भी मेरे पास कंपनीज आती हैं, 80-90% वही चीज बेचने आ रही हैं, सभी कंपनी एक जैसा ही, नया बहुत कम है कंपनीज के अंदर।